इनके शौहर ने एक अदर टेप रिकॉर्डर भेजा दिया। जैसा ही टेप रिकॉर्डर आया, ये बड़ी अखलाक वाली बीवी है, इन्होंने बड़े अदब से सामने टेप रिकॉर्डर रखा, पल्लो ओढ़ लिए, बच्चों से बोले बेटा जरा बाहर जाओ, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए, कमरे का दरवाजा बंद किए, अपने शौहर से मुखातिब है कि किस तरह कैसेट रिकॉर्ड करके बाहर भेज रहे इनके शौहर के पास। देखिए आप, इन्होंने रिकॉर्ड का बटन दबाया, बड़े अदब से टेप रिकॉर्डर को सलाम कर रहे हैं, सलाम अलैकुम, मैं हूँ, आपका खत मिला, बच्चे कहते सब खैरियत से है, अल्लाह का एहसान है, अम्मा की तबीयत भी अच्छी है, बच्चे बराबर स्कूल को जा रहे हैं, अरबी पढ़ने भी जा रही, आप यहाँ की फिक्र मत करो, हर 8 दिन में फोन करते रहो, कब आ रहे मालूम करो, जाके 2 साल हो गया, जल्दी आने की कोशिश करो, ऐसा 2-2 साल आप लोग बाहर रहे तो कैसा हमारा कैसा गुजरता होगा, हमारे दिल को मालूम है आप लोगों का क्या है, फॉरेन कंट्रीज में है, कैसा भी गुजार लेते होंगे, हमारा भी सोचना आखिर, कोई भी आने वाले रहे तो बच्चों के यहाँ से कपड़े भिजाओ, मेरा से साड़ी भिजाओ, और मैं साड़ी मंगाई बोल के अम्मा को मालूम होने न को दो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, पहले अम्मा लोगों के सामने बोल लेते फिर रहे, मेरे बच्चे को खा जा रही, मेरे बच्चे को खा जा रही बोल के, इनका बच्चा 2 साल से मेरे को खारा सोने बोल रहे हैं, मैं कितने खुद बोली तुम्हारे को, कभी भी कोई भी चीज भिजाए तो निशानी डाल के भिजाओ बोल के, इससे पहले तुम हरे बार की साड़ी भिजाए थे, तुम्हारी अम्मी क्या करे, तुम्हारी बड़ी बहन को उठा के दे दिए, मेरा जान धस बोल के मार लिया, मेरे अच्छे शोहर कहते मेरा से एक लाल बार्डर की साड़ी भेजा, कई को बोलते यहाँ पर पूरे बार्डरों के साड़ियां चल रही, मैं वो टीवी में देखती हूँ ना, कि उनके सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, वो हरामजादियां इतने अच्छे अच्छे साड़ियां पहन के आते, मेरी पूरी नजर लोगों के साड़ियों के ऊपर चलती, वो उजाड़ सीरियल किधर जाती की क्या की, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बातों बोल के कई को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी कपड़े बोले तो याद आया, बच्चों के स्कूलों के ड्रेस वहां से भेजा, ये इंडिया के उजाड़ कपड़े जल्दी फट जाते, वाके कपड़े जरा टिक के चलते, कलर अच्छी तरीके से याद रखो, ऊदे कलर का पैंट है, आसमानी कलर का शर्ट है, और ये स्कूल वालों को क्या होगा मालूम नहीं, इतने वोसे वोसे किताबा लिख रही, बच्चों को बस्ते उठाने नहीं आ रहा, बजाय बच्चे लंबे होने के उल्टा गिड्ढे होते चले जा रहे, झुक जा रहे अलग, बच्चा क्या जी मम्मी बड़ा बस्ता दिलाओ, बड़ा बस्ता दिलाओ बोल रहा, उन्हें फिफ्थ में है, सिक्स में आ तो तुम बाहर से लाए सूटकेस देना पड़ेगा उसको, नहीं तो ऑटो ट्रॉली दिला देना बोल के सोच रही हूँ मैं, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बात हम बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी स्कूल बोल तो याद आया, परसों बच्ची आके बोल रही टीचर 5 रुपए मंगा रही, बच्चा बोल रहा सर 10 रुपए मंगा रहे, कहीं को बोलते सर के घर कुछ चुना डाल रहे कहते, मैं बोली दिमाग खराब कर स्कूल वालों का, आप बच्चों के पैसों से घर चलाते हैं कि क्या है की, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बात हम बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी तुम वहां पर बराबर टाइम पे ड्यूटी पे जाया करो, टाइम पे सो जाया करो, यहाँ के सर रातों में जगो नको, तुम जब देखो झंडे के चबूतरे पे पुराने बुड्ढों से बात कर लेते बैठते थे रात भर, नहीं तो घर के बाहर कट्टे पे बैठते थे, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बात हम बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी तुम्हारे फोटो आए वहां से परसों दुबई से, तुम लोग वहां पर फोटो उतरने का कार देखा, तुम जब देखो कार के बाजू खड़े रह के फोटो लेते, नहीं तो कार के सामने खड़े के फोटो लेते, लोग बोले वहां के 1 रुपए के यहाँ के 12 रुपए होते कहते, वो लाल कलर की कार अपनी है तो लालो चलाने का से काम आता है यहाँ पर, अपनी नियत तो कोई बात नहीं, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी फोटो बोल तो याद आया, परसों अपना छोटा रो रहा था, मेरे को किचन में पकाने नहीं दे रहा था, तो मैं क्या करी, पापा के फोटो देख बोल के फोटो बताई तो नहीं, उन्हें फोटो देख के आपको पहचान रहा नहीं है, गंजा कोने बोल के बोल रहा, तो मैं मुनियापा को पूछा जी मुनियापा इन जाते वक्त अच्छे खासे थे तालू चट टाइप हो गए, बोले तो मुनियापा बोल रहे हैं बाहर का पानी खारा रहता कहते, अच्छे खासे लोग बुड्ढे हो जाते नहीं तो तालू चट हो जाते बोल के बोल रही, खारा पानी बोलते मेरे को और है वो शुरू हो गई, तुम हैदराबाद में नहाए वैसा रोजाना नको नहाओ, 15 दिन 20 दिन में एक बार नहाओ, रोजाना नहाए तो ऐसा नैसो तालू के वाला चलेंगे, लोग बोलेंगे अच्छा खा जाके गंजा के आया बोल के, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैं नहीं बोल रही हूँ। अजी खास बात सुनो, गए सो रमजान की ईद को तुम थे नहीं, ईद हुए वसीद नहीं दिखा, चांद रात के दिन इतना रोना है मेरे को, मैं ईद का चांद देखते जा रही हूँ रोते जा रही हूँ, ईद का चांद देखते जा रोते जा रही हूँ, अल्लाह मियाँ ईद का चांद नजर आ गया, मेरा चांद कब नजर आता कि क्या बोल के इतना रोना आया, इतना वो सा शिरक में बना, पीना दिल ने बोल रहा, कपड़े भी पहनना दिल ने बोल रहा, कपड़े बोले तो याद आया, वो कमरे में जाके अलमारी खोल के देखते तुम्हारा उजाड़ वलीमे का सूट सामने लटका हुआ है, वलीमे का सूट को देखते जा रोते जा रही हूँ मैं, खैर तुम बाहर है तुम्हारा पूरे बात बोल के कहीं को परेशान करना बोल के मैंने बोल रही हूँ। आपके दोस्त कैसेट लाइस वाले दीवान खाने में बैठे हुए, उनके जहाज का टाइम हो रहा कहते, मैं फिर तफसील से कैसेट रिकॉर्ड करके भेजाती हूँ, खुदा हाफिज माशाल्लाह। तो ये तो फरमाइश थी, अब इससे हटके मैं आपको हमारे हैदराबाद की जो बात बता रहा हूँ, हम जाते हैं हैदराबाद के बाहर, बहुत से लोग हमारे शहर की तारीफ करते हैं आज भी यहाँ के मेहमान।